बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरिया। आई होप यू आर गुड। रेड सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाने से जल्द वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें। आज हम मसालेदार मटन कलेजी का सालंद बनाएंगे, जो कि बकराईद स्पेशल रेसिपी है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने मटन की कलेजी 500 ग्राम ले ली है। अब हम डेगची में डालकर इसकी भाप लगाएंगे ताकि इसकी सारी स्मेल निकल जाए और कलर चेंज हो जाए और पानी निकल जाए। जब पानी निकल जाएगा तो इसकी बिल्कुल स्मेल सब निकल जाएगी और ये बेहतरीन तरीका है इसकी स्मेल निकालने का। कलेजी को हम भाप लगा रहे हैं, ये देखिए इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो रहा है और इसका जो गंदा पानी है वो भी निकल रहा है। और हम इस तरीके से इसका पानी निकाल लेंगे। अब ये देखें, हम इसको सेपरेट करेंगे, कलेजी को हम डिश में निकाल लेंगे सारी को, और जो इसका पानी जो है वो बाहर फेंक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हमने 250 ग्राम ऑयल ले लिया है और ये हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें गर्म मसाला शामिल कर देंगे, जो कि हमने तेज़पात के दो पत्ते ले लिए हैं, और ये देखें एक टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, दो सिनेमन स्टिक के ले ली हैं और तकरीबन 8-10 लौंगे ले ली हैं और 8-10 ही हमने काली मिर्ची ले ली हैं। अब ये हम उसको हल्के आँच में फ्राई करेंगे बिल्कुल। और इसके बाद हमने जो प्याज ली है, तकरीबन 4 अदद प्याज ले ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है, इसको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। अच्छी शेलो फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन, ये देखें लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें भाप दी हुई कलेजी शामिल करेंगे जो हमने डिश के अंदर रख रखी थी। ये देखें अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते रहेंगे और जो पानी निकलेगा इसको हम फेंक देंगे और इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये अलग निकाल देंगे। अब हम कलेजी को 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखें फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर देखें फ्रेश हमने लहसुन और अदरक लिया है, तकरीबन 2 स्पून लहसुन 1 स्पून अदरक लिया है, ये भी डाल के हम फ्राई करेंगे, इसकी भी हम स्मेल निकालेंगे। ये देखें लहसुन और अदरक फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर, जो कि मैंने 2 स्पून ले रखे हैं, वो इसमें शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी और इसको फ्राई करना है, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी भी स्मेल होती है और हम इसकी भी स्मेल निकालेंगे फ्राई करके। देखिए अब हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं, इसकी भी स्मेल निकालेंगे। अब इसको हम फ्राई कर लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मैं शामिल कर दूँगी 1 ounce के बराबर। अब ये देखें इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, ये फ्राई हो रही है। अब इसके बाद जब ये फ्राई हो चुकेगी तो हमने जो लाल मिर्ची पाउडर और नमक ले रखा है वो शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने 2 स्पून मिर्ची पाउडर और 1.5 स्पून नमक लिया है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, अब हम शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम कलेजी को देखेंगे। ये देखें कलेजी गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, जो कि 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट लिया है, इसको बारीक बारीक काटने से जल्द ही गल जाएंगे। अब हम इसको तकरीबन, और ये देखें 2-3 मैंने हरी मिर्चें क्रश कर ली थी, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर में कर दूँगी। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी गल गए हैं, ये देखें इसी तरीके से गलाना है। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे टमाटर को, 1-2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो भी बाकी रह गए हैं टमाटर वो भी मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम दही लिया है, जो कि मैंने एक प्याली ली है 250 ग्राम, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। दही भी शामिल कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम तकरीबन 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें दही डाल के फ्राई कर रही हूँ और फिर हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। तकरीबन 2-3 मिनट
इसको गलाएंगे। ये देखें 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसका भी दही का भी पानी खुश्क हो गया है, इसको भी हम अब फ्राई कर लेंगे। अब हम ये देखें सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जितना हमने शोरबा रखना है, तकरीबन मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है, और अब हम इसको जोश आने तक पकाएंगे। और इसको ये देखें जोश आ गया है और ये पक चुका है, सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, इसकी कलेजी जो है वो भी गल चुकी है। ये देखें सालन तैयार हो चुका है और सालन के जो ये कंसिस्टेंसी ये देख लीजिए। और अब हम इसके अंदर जो हमने मेहंदी ले रखी थी कसूरी मेहंदी, ये 1 स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि इससे बहुत लजीज बन जाती है, खुशबू आने लगती है। और अब हम इसके अंदर मिर्चें शामिल कर देंगे, धनिया शामिल कर देंगे और 2 चुटकी गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये देखें सालन बिल्कुल तैयार हो गया है कलेजी का, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह कलेजी का सालन तैयार हो गया है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कलेजी का सालन कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।